उसके बाद हमें नेक के लिए क्रॉस पट्टी काट लेनी है। यहाँ पे मैंने क्रॉस पट्टी का वीडियो पहले नहीं बनाया था, तो दूसरे फैब्रिक में मैं बता रही हूँ। फैब्रिक का ये जो है स्ट्रेट पाव पोर्शन है, और ये लेंथ वाला पोर्शन है। और जो क्रॉस साइड होती है, ये लेंथ हुई और ये विड्थ है हमारी फैब्रिक की, तो क्रॉस जो साइड है वो स्ट्रेचेबल होती है, वहां से हम फैब्रिक की क्रॉस स्ट्रिप काटेंगे, क्रॉस पट्टी काटेंगे। डेढ़ इंच चौड़ी हमें क्रॉस पट्टी लेनी है। जितना हमारा गले का लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी लंबी क्रॉस पट्टी काट देंगे। इसे हम इस तरह रखते हुए ज्वाइंट कर लेंगे। जो हमारा वी लाइन बन रहा है, वी शेप बन रहा है, उस वी शेप के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक हमें स्टिच करना है। तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉस पट्टी हमें ज्वाइन कर लेनी है। एक जो वी शेप बन रहा है, दूसरे वी शेप तक हमें कॉर्नर तक स्टिच कर लेना है। अब हम हुक और आई की पट्टी अटैच करेंगे। हुक पट्टी के लिए हमें 2 इंच चौड़ी, 2 इंच चौड़ी, और आई के लिए हमें 4 इंच चौड़ी पट्टी काटनी है। हुक की पट्टी हमारी लेफ्ट साइड लगती है ब्लाउज के बाएं साइड, और आई की पट्टी ब्लाउज के राइट साइड लगती है। आई वाली पट्टी 4 इंच चौड़ी और हुक वाली पट्टी 2 इंच चौड़ी काटनी है स्ट्रेट। हुक वाली पट्टी को हमें सीधे ब्लाउज पे उल्टी रखनी है, सीधे ब्लाउज पर उल्टी। फिर हम 1/2 इंच पे स्टिच करेंगे और इस तरह पलटा के इधर टॉप स्टिच कर देंगे। तो पहले हमें 1/2 इंच पे स्टिच कर लेना, सीधे ब्लाउज पे उल्टी। आई वाली हमारे उल्टे ब्लाउज पे लगेगी, ये सीधे ब्लाउज पे हम लगाएंगे।
इसके बाद हम हुक वाली पट्टी को हाफ इंच पे स्टिच लग चुकी है। अभी से इस तरह करते हुए हमें एक इंच बाहर रखते हुए यहाँ पर ऊपर सिलाई लगाने हैं, टॉप स्टिच पट्टी के जस्ट किनारे पे, सिलाई के पर किनारे पर पट्टी पर हमें टॉप स्टिच लगाने हैं। अब आई वाली पट्टी हमें उल्टे ब्लाउज पे डबल लगानी है। उल्टे ब्लाउज पे डबल पट्टी फोल्ड करके इस तरह हमने डबल पट्टी उल्टे ब्लाउज पे लगाई। अब हम जहाँ पे हमने स्टिच की वहां तक हमें पट्टी के ऊपर इस तरह मोड़ देना है और एक पट्टी के इधर से सिलाई लगाएंगे कॉर्नर पर और एक एक पैर अंदर यानी कि पाव इंच अंदर सिलाई लगाएंगे, टोटल दो स्टिच। अब हुक वाली पट्टी को भी हम अंदर मोड़ के एक रफ स्टिच लगा लेंगे। रफ इसके बाद हमें गले की पट्टी अटैच करनी है। तो गले की पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा हुक वाली पट्टी काट देंगे और यहाँ से भी क्रॉस पट्टी को सीधा कर लेंगे। क्रॉस पट्टी को हमें सीधे ब्लाउज पे उल्टी रखनी है और इस तरह आप
रैप करते हुए हमारे ब्लाउज को ब्लाउज के ऊपर से मोड़ते हुए पट्टी लगानी है। और हल्की हल्की से पट्टी खींचनी है, ज्यादा नहीं खींचनी, नॉर्मल थोड़ी थोड़ी सी पट्टी स्ट्रेच करते हुए हमें लगानी है। गला बिल्कुल हमें खींचना नहीं है। बस सिंगल पट्टी हमने लगाई है, नेक पे हम सिंगल पट्टी लगाते हैं। आगे से भी हम इस तरह अंदर की तरफ मोड़ देंगे उल्टे तरफ। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक अंदर दिख रहा है वहां से कट करते हुए कट कर देंगे हम। ज्यादा मोटा नहीं रखना है हमें, 0.25 इंच जितना, 1/2 इंच जितना हमें अंदर छोड़ते हुए, बाकी एक्स्ट्रा जहाँ पे भी ज्यादा है वो कट कर देना है। और इस तरह बाहर की तरफ कर देंगे हम पट्टी को, और सिलाई को पट्टी की तरफ करते हुए हमें इस तरह पट्टी को मोड़ना है। जो स्टिचिंग है पट्टी के अंदर है, और जितनी पतली हो सके उतनी पतली मोड़ते हुए आपको पट्टी के ऊपर एकदम किनारे पर स्टिच करना। बीच में जहाँ पे हमारी पट्टी स्टिच हुई हुई है उसके कॉर्नर पर हमें स्टिच करना है, एज पर टॉप स्टिच लगानी है हमें। इस पॉइंट पर हमें सिलाई लगानी है जहां मैंने चौक का निशान किया। अब पट्टी एकदम 1/2 इंच या 1/2 इंच से मोटी नहीं होनी चाहिए इस तरह। बाद में हम इस पोट पट्टी को अंदर की तरफ करके हेमिंग करेंगे तुरपाई हाथ सिलाई। फिर ये पट्टी हमारी अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, एक्स्ट्रा फैब्रिक हम अंदर से काट देंगे। अब स्लीव्स अटैच कर लेंगे। स्लीव्स अटैच करते वक्त हम पीछे का जो आर्म होल है स्लीव का वो ब्लाउज के पीछे जो ज्वाइंट करेंगे, और आगे का आर्म होल जो है वो हम आगे ज्वाइंट करेंगे। स्लीव का जो बीच का पॉइंट हमने बनाया था वो हमारे ब्लाउज के आगे की तरफ आएगा थोड़ा सा।
स्लीव्स अटैच करने के बाद फिटिंग और बाकी नीचे की फिनिशिंग वाला पार्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है? मैम, मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं हुई थी ना, तो जो आपने बॉडी मेजरमेंट पेपर में पूरा ड्राफ्ट करा है उसकी वीडियो भी आपने भेजी थी, बट ओपन नहीं हो पा रही है, तो हाँ मैं उसका आज रात ही कुछ करके देखती हूँ। हाँ, क्योंकि फिर मैं प्रैक्टिस होनी दूसरा वीडियो भेज दूंगी, पहले की वीडियोस हैं। हाँ मैम, क्योंकि मुझे ना उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी होगी ना, क्योंकि हम तो सिर्फ चेस्ट ना लेंथ लेते थे, चेस्ट लेते थे, देन वेस्ट लेते थे, आपके आपके पॉइंटों में कुछ कुछ अलग है, तो फिर हमें प्रॉपर उसी तरह सीखने में अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे लिए है ना। आप प्लीज मुझे जरूर भेज दें। रिकॉर्डिंग तो आपको सबकी मिलेगी, अभी वो खुल नहीं रही, मैं देखती हूँ, अगर वो नहीं खुलेगी तो मैं ओल्ड वीडियो भेज दूंगी पहले। हाँ मैम, हाँ मैम, ठीक है ना। थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय बाय मैम, थैंक यू। होपिंग कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास में, मैम बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा बिल्कुल बिल्कुल, आपके ट्रिक्स एंड जो कंडीशंस है ना, इतनी प्रॉपर बैठ रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली, तो बहुत अच्छा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टिच करती हूँ, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय बाय मैम। बाय 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 मैम ने, बाय वर्षा, बाय सोनल दी, बाय मैम।